थाली में मैं सिंपी अग्रारी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मलाई रोल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, मिल्क पाउडर, एक गिलास दूध, चीनी, चिरौंजी, बटर, किशमिश, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता बादाम, टूटी फ्रूटी। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच बटर को गरम करते हैं और इसमें 1/2 ग्लास दूध डालते हैं। इसे चलाते रहते हैं। ये जब उबलने लगे तो इसमें हम डालते हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इसे हम तब तक चलाते हैं जब तक इसके लम्स ख़त्म ना हो जाए और इसे हमें खोया के रूप में बनाना है। एकदम गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ब्रेड को इस तरह से पतला कर लेते हैं बेलकर। और इसके साइड्स को चाकू से निकाल देते हैं। इसे हम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे हम बाद में यूज कर लेंगे। और हमने जो खोया तैयार किया है इस ब्रेड पर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करते हैं। पूरे ब्रेड पर फैला देते हैं। अब हम इसके ऊपर एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से लगा देते हैं। और इसे धीरे धीरे करके रोल बना देते हैं। हम पैन को फिर से गर्म करते हैं और इसमें हम 1/2 गिलास दूध लेते हैं और 1 चम्मच चीनी। इसे हम पतली रबड़ी के रूप में बनाते हैं। 1 चम्मच मिल्क पाउडर, हमने केसर पहले से भिगोया हुआ है 1 चम्मच पानी में। केसर के 8-10 धागे भिगो के रखे हैं जो अब हम इसमें डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। हमने इसमें 4-5 पीस इलायची पाउडर पीस के डाले हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है इसका। ज़्यादा देर तक नहीं उबलना है, बस ये हो गया। और अब हम इसमें जो रोल तैयार किए हैं उसके ऊपर से इसे डाल देंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे टूटी फ्रूटी से और ड्राई फ्रूट से। ये देखिए, इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही अच्छा खाने में भी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।